कॉमर्स एक्सेस। आज के हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर जिसको हम कहेंगे हमारा बीओपी। थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, बट कुछ भी इसमें हार्ड है नहीं। देखो, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कि बीओपी क्या होता है, बीओटी क्या होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड्स में डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, या फिर बीओपी का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसके होने के रीजन्स क्या क्या हैं। मतलब बीमारी है डिसइक्विलिब्रियम, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और उसका रेमेडीज भी हम लोग इसमें देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारा कॉमर्स एक्सेस में आप सभी को स्वागत है, और हम लोगों ने अपना DFCCIL के पूरा पूरा बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है, और इसमें सिर्फ हमारी दो क्लासेस लगेंगी। आज है पार्ट वन, कल होगा पार्ट टू। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक बहुत ही अच्छी सी भाषा में समझेंगे, मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि देखो, जैसे ये इंडिया है, मैप में मत जाओ, बस इंडिया बनाया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वर्ल्ड है, इंडिया क्या वर्ल्ड से छोटा ही है। ठीक है, अब इंडिया में मानो कि जैसे अभी कुछ नोएडा में एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री आई इंडिया में। ठीक है, पता होगा ना आपको, सैमसंग ने अपना सेकंड लार्जेस्ट प्लांट लगाया इंडिया में, तो ये नोएडा में आया। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ोन बने, सैमसंग के फ़ोन बनना स्टार्ट हुए। क्या ये जितने भी फ़ोन से वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कंज्यूम हो जाएंगे? नहीं भाई, ये कहाँ पे जाएंगे? बाहर कंट्रीज़ में भी जाएंगे। तो जब ये बाहर कंट्रीज़ में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया गुड्स को क्या कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। उसी तरीके से आईफोन इंडिया में जब नहीं बनता था, अब तो बनने लग गया, पहले नहीं बनता था, तो वो क्या करता था, बाहर इंडिया उसको इम्पोर्ट करता था। तो जब इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है तो इसका जो रिकॉर्ड कहीं रखा जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई हर दिन हर सेकंड में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उसका कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड होता है, तो उन्हीं रिकॉर्ड से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रखते हैं। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, चलो अब इसको पहले मिटाते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जब ट्रेड होगा तो फिर उसको किस में रखेंगे हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रख देंगे। फिर अब इंडिया के क्या है, इंडिया मतलब आप कहोगे कि गरीबी कंट्री है, हम अमीर कंट्री तो नहीं कह सकते इंडिया को ना, तो गरीबी कंट्री, तो इंडिया को भाई अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करवाना था। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि, वर्ल्ड बैंक भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया ये लो लोन, $500 मिलियन का आपको लोन देता हूँ, आप अपने कंट्रीज में डेवलपमेंट करवाइए, आप गरीब मत रहिए। इंडिया ने बोला ठीक है भैया। अब इंडिया ने लोन ले लिया, वहीं पर क्या हुआ कि अफगानिस्तान था, इंडिया ने कहा कि भैया हमारे म्यूचुअल रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्यों ना मैं आपको लोन दे दूं ताकि आप अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करवाओ और आपके यहाँ पे भी कुछ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अप हो, आप भी अच्छी कंट्री बन जाओ। तो अफगानिस्तान ने कहा भैया ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कह दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्लीज़ हमें लोन दो। तो फिर इंडिया ने कहा ठीक है भैया ये लो लोन। अब देखो, जब लोन दिया, लोन आया इंडिया पर और लोन दिया गया जब बाहर, तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? ये भी रिकॉर्ड किस में होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले क्या ट्रेड हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ हमारा, वर्ल्ड से लोन लिया गया या फिर वर्ल्ड को लोन दिया गया किसी भी कंट्रीज़ को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इंडिया में कोई भी सर्विसेज बनना स्टार्ट हुई, मतलब जैसे हमारी TCS है, इन्फोसिस है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं सॉफ्टवेयर की। फिर हमारी कुछ बिग फोर्स हैं जैसे EY है, KPMG है, तो ये लोग अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके इस तरीके से क्या होता है, सर्विस कुछ इंडिया में भी आती हैं, कुछ बाहर भी जाती हैं, तो सर्विसेज का भी रिकॉर्ड किस में जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो कुल मिला के बात ये रही कि वर्ल्ड में कुछ भी ट्रांजेक्शन होगी, कुछ भी इंडिया के साथ में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, एट अ गिवन टाइम, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किया जाएगा, और सिर्फ यही चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाया आपको, वही चीज़ समझ में भी आई होगी। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो, जब भी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना इंडिया का वर्ल्ड के साथ में, तो उसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, क्या फिजिकली टचेबल गुड्स, जैसे हमारा साबुन, तेल, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब किस में आते हैं हमारे? टेंजेबल गुड्स में आते हैं। टेंजेबल मतलब जिनको हम छू के स्पर्श से पता लगा सकें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या आती है हमारी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में हमारे क्या आएंगे, जैसे हमारी सर्विसेज हो गई। ठीक है, ये और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भैया वर्ल्ड का लोन लेना देना, सर्विसेज, ये सब कुछ हमारे किस में आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आता है। तो इससे एक चीज़ पता लगी हमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कैसा टर्म है, वो है भैया वाइडर, और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? छोटा। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ वाइडर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपको क्या टिक करोगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, भैया रॉन्ग हो जाएगा, आप उसमें टिक करना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा और आपको एक नंबर भी मिल जाएगा।
ठीक है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड में से बस तीन चीजें हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स और BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड से। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बट इसके एक फॉर्मल क्या है, डेफिनेशन है, इट शोज विजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शंस। विजिबल का मतलब टेंजेबल, मतलब जिसको हम देख सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, कि आप कभी किसी भी सर्विसेज को देख सकते हो, सॉफ्टवेयर बनाए सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, नहीं, बट आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो वो किसमें आता है, वो इनविजिबल में आता है। तो इसी तरीके से इट शोज विजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एक इंडिया बनाया था मैंने ऊपर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाया था, तो इनके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं किसकी, फिजिकल गुड्स की, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग अ ईयर। इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है, VX का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, एक्स एक्सपोर्टेड ये है और इसमें एक्स आया है, और इम्पोर्टेड में एम है और एम इसमें आया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक फॉर्मूला है किसका, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स देन इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल BOT। फेवरेबल BOT कब होगा, मतलब हमारे लिए अच्छा कब होगा, कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर बेचें। क्यों, जब हम सामान बेचेंगे भैया तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और उसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास में फॉरेन रिजर्व आएगा। किस तरीके से, हमने यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट बना के US में भेजा, तो US भैया डॉलर्स में पे करेगा हमको, US डॉलर्स में, और जब US डॉलर्स में पे करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, इंडिया में ही तो आएगा। तो उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कहती आत्मनिर्भर भारत स्कीम चला रही है, सेल्फ रिलायंट बनो भैया, आप FDI को अलाउड करो ताकि बाहर से कंट्रीज आके इंडिया में बनाए। तो उससे ये सब फ़ायदा होगा कि हमारा जो BOT जो है वो क्या करेगा, वो करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारा फेवरेबल पोजीशन में पहुंच जाएगा। जो हमारा क्या होगा, इम्पोर्ट जो होगा वो कम होगा, लेकिन एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और उसका उल्टा हो सकता है कि अनफेवरेबल कब होगा, जो हमारा एक्सपोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स से कम हो जाएंगे। इट इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू BOP, मैंने आपको बताया BOP क्या होता है, वाइडर कंसेप्ट होता है, जबकि BOT क्या होता है, नैरो कंसेप्ट होता है। इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सर्विस अक्रॉस नेशंस द कंसेप्ट ऑफ BOT हैज लिटिल रिलेवेंस, मतलब BOT का आप देखो कोई ना इस टाइम पे कोई रिलेवेंस नहीं बचा। आज से कुछ साल पहले, मतलब आज से अगर 50-60 साल पहले जाओगे, उस टाइम पे BOT काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हुआ करता था, बट आज के टाइम पे नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो वर्ल्ड में क्या है कि आजकल लोन का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वर्ल्ड बैंक बना 1945 में, ठीक है, तो उसने लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा ना, जो लोन आ रहा जा रहा है, ठीक है, कुछ भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मतलब हमने अफगानिस्तान को लोन दिया, बांग्लादेश को लोन दिया, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज को हम लोग लोन देते हैं, तो वो सब भी हमारा किस में रिकॉर्ड होता है, BOP में होता है। BOT में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गुड्स इंक्लूड होते हैं। फिर हमारी आजकल सर्विसेज भी बढ़ रही है, बैंक की सर्विस, टूरिज्म सर्विस, तो ये सब किस में आता है, ये सब भी BOP में आता है, ठीक है, समझ में आपको। चलो अब आके हम लोग देखते हैं क्या हमारा टाइप्स ऑफ BOT। तो BOT के देखो तीन टाइप हैं क्या, एक है फेवरेबल, कि फेवरेबल कब होगा, अनफेवरेबल कब होगा, और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब हमारा ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारा क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो किससे, एक्सपोर्ट को एक्सीड कर जाए, ठीक है, मतलब आप बाहर की दुनिया से, यहाँ पे चलो आपको बना के देता हूँ, ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये आपकी इंडिया है, तो आप यहाँ से तो सामान लिए ही जा रहे हो, लिए ही जा रहे हो, लिए जा रहे हो, बट आपकी कंट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा। तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, इसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब कहा जाएगा, जब आपकी कंट्री से बाहर जाता ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, और आप बाहर की कंट्री से बहुत कम सामान लेते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी था यार, कुछ भी नहीं था इसमें, कि फेवरेबल अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों के दोनों बराबर हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। तो अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ में हालांकि हमारा फेवरेबल रहता है, कुछ कंट्रीज के साथ में अनफेवरेबल रहता है, जैसे चाइना के साथ में अनफेवरेबल रहता है, ठीक है। US से अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, US से फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे आया क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन थोड़ी छोटी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थोड़ी बड़ी है। क्यों,
क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। बीओपी इज एन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर। इट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड अदर इनविजिबल आइटम्स। नोट डाउन कर लीजिए। एज वेल एज ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है, एंड ऑल्सो दैट दीज रेजिडेंट्स हैव पेड आउट ऑफ द टू द अदर कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ परचेस ऑफ ऑल दिस आइटम्स एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम दिस कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो भैया, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या देखा था कि हमारे कुछ भी ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं किसमें, गुड्स में, वही हम लोग उसमें रिकॉर्ड कर रहे थे। बट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई भाई, वो चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, इनविजिबल आइटम्स हो, कैपिटल ट्रांसफर्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, वो सब का सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, वाइडर टर्म कहते हैं। अब देखो इसमें सेल ऑफ गुड्स भी आ गया, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है, बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। इसका मतलब ये है कि बीओटी बीओपी का ही एक अपना रूप है, मतलब उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिटवीन द ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजली वन ईयर, ठीक है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमेशा इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है भैया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों, आप अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं करोगे, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड है तो भैया सिस्टमेटिक ही रहेगा ना, आप कंपेयर कैसे करोगे फिर कि हमारा इस महीने में कितना है, उस महीने में कितना है, फिर उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन अगर भूल गए तो उसको निकालोगे कैसे। इसलिए क्या होता है, सिस्टमेटिक डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है इसमें, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और रेजिडेंट्स जितने भी हैं हमारे इंडिया के, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारे किस में आता है, बीओपी में आता है। आई होप ये चीज़ समझ आएगी। चलो अब फीचर्स ऑफ बीओपी देखते हैं। क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जितनी भी हैं कंट्रीज़ की उन सबको रिकॉर्ड में लेते हैं। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब जनरली एक वन ईयर का ही टाइम होता है, क्योंकि एक साल में फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, हमारा FY लिखा रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, तो इसके लिए हम भी फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, और ये क्या कॉम्प्रिहेंसिवनेस का ये मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, किस तरीके से, कि ये विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है, इन सबको क्या करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। देखना यहाँ पे हिंदी इसकी थोड़ी गलत आ गई है, ये इसी का ही वो ट्रांसलेशन हो गया, तो आप इसको भी अवॉइड कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का ये मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है, इसमें विजिबल इनविजिबल मतलब हर एक तरीके की गुड्स ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, इंक्लूड होती हैं। चलो आगे देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब है कि भैया एक तरफ हमारी लाइबिलिटीज आएंगी, एक तरफ हमारे एसेट, मतलब इसमें रिसिट्स एंड पेमेंट्स दोनों के दोनों इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, एक तरफ से नहीं चल दिया जाता है। तो अब वर्ल्ड में डबल एंट्री बुक सिस्टम ही चलता है, जो लोग अकाउंट्स पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा क्या होता है, बाकी आप लोग बस इसको ध्यान में रखो कि डबल एंट्री बुक सिस्टम होता क्या है। बाकी बैलेंस सिस्टम, बैलेंस सिस्टम क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम कीप्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ अकाउंट्स इन बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, बाद में टैली हो जाते हैं, टैली क्यों होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे जब पढ़ेंगे ना तब आएगा। चलो इसके बाद में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन बीओपी, हमारी बीओपी में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स। तो मैंने आपको जब बताया था कि विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स एंड हमारी जितनी कैपिटल ट्रांसफर्स हैं वो सब कैसे इसमें इंक्लूड होता है, मैं आपको ऊपर तब से बता रहा हूँ इन चीज़ें। तो ये चीज़ें होती क्या हैं, अब ये देखते हैं। तो विजिबल आइटम्स वो चीज़ें हैं जो कि हम फिजिकली देख सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं। अब विजिबल, सॉरी, हाँ, विजिबल आइटम्स वही है ना जो हम फिजिकली देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे टेंजिबल है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड, दीज आर विजिबल एज दीज आर मेड ऑफ सम मैटर और मटेरियल, मतलब कुछ भी चीज़ें, लकड़ी, लकड़, पत्थर से किसी भी चीज़ से जो भी कोई चीज़ बनती है वो हमारे किस में आता है, विजिबल आइटम्स में आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्स में जैसा बताया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, या फिर सैंड स्टोन्स हो गया, कुछ भी चीज़, जो भी कुछ आप देखते हो, ठीक है, वो चीज़। फिर इनविजिबल आइटम्स, इट इंक्लूड्स ऑल दिस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है गिफ्ट्स,
सर्विसेज इंक्लूड शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसमें कि इंडिया महारत हासिल कर रखी है। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ठीक है, और रॉयल्टीज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशंस, ईटीसी। ये सब का सा हमारा किस में आएगा? इनविजिबल आइटम्स में आता है, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, विजिबल आइटम्स में क्या होता है, इनविजिबल आइटम्स में क्या होता है। फिर आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स, तो कैपिटल ट्रांसफर्स में आता है हमारा कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल लिमिट्स, कैपिटल रिसिट्स एंड पेमेंट्स का ये मतलब है कि आपने किसी कंट्री ने लोन ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी खाली जगह, आप मतलब आपने किसी कंट्री से लोन ले रखा है, अब आप उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे ना, किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, तो वो आपको इसमें अपने दिखानी पड़ेगी। या आपसे किसी कंट्री ने लोन ले रखा है तो वो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, तो जब वो आपको इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा आपके लिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपकी रिसिट हो जाएगी, तो वो आप किस में दिखाओगे, अपने कैपिटल ट्रांसफर्स में इंक्लूड करोगे, किस में, बीओपी में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और बच रही हैं, तो हम लोग पूरा अपना इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, आई होप आपको अच्छी लगती होंगी, और अगर आप शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में, बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सिस एक पूरा का पूरा फ्री बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे और पूरा का पूरा अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग अपना मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे, ओके। और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। Thank you so much.